नमस्कार, टॉपिक ऑन डिमांड में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मैड्यूगल का जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड, अर्थात उसमें कुछ आपकी मूल प्रवृत्तियां और संवेग उन्होंने बताए, उससे रिलेटेड आपका प्रश्न था। तो पहले तो मैं ये बहुत ही ब्रॉड ये आपका कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि हम यही नहीं समझ पाते कि संवेग क्या है और मूल प्रवृत्ति क्या है। तो किसी दिन आपको विस्तृत रूप से मैं समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि संवेग और मूल प्रवृत्ति क्या है। संवेग जो होता है एक भावनाएं होती है, एक आपकी विशिष्ट अवस्था होती है, एक आपकी जटिल अवस्था होती है जिसके द्वारा आपकी भावनात्मक या शारीरिक चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन होते हैं उसे हम संवेग कहते हैं। जैसे बहुत गुस्सा आया, आप डर गए, तो क्या है, एक जटिल आपकी अवस्था होती है। और मूल प्रवृत्ति क्या होती है, मूल प्रवृत्ति की अगर बात की जाए तो मूल प्रवृत्ति उसी संवेग के प्रतिफल में आपका आपका प्रतिलक्षित जो व्यवहार है वो होता है। अर्थात जो संवेग आपके अंदर उत्पन्न हुआ उसके प्रतिफल में जो आपकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो होती हैं। तो मैड्यूगल ने जो मूल प्रवृत्ति की बात बताई है, 14 संवेग उन्होंने बताए, वो इस प्रकार हैं। उन्होंने जो पहला बताया वो है पलायन, अर्थात ऐसी मूल प्रवृत्ति कि बालक जन्मजात, मूल प्रवृत्ति क्या होती है, आपकी जन्मजात आपके कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर पहले से ही होती हैं। और संवेग क्या होते हैं, वो आपके भावनाएं होती हैं। तो अगर बात की जाए पलायन की, तो पलायन कब करेगा, पलायन मतलब क्या, आपने सुना होगा कि ये पलायन कर गए यहाँ से यहाँ वहाँ से यहाँ, तो मतलब एक स्थान से को छोड़ देना, ये नहीं कि दूसरे स्थान, लेकिन उस स्थान को छोड़ देना। ये कब होगा, ये तभी होगा जब इस व्यक्ति के अंदर भय होगा, अर्थात जब तक कोई भयभीत नहीं होगा तब तक पलायन नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मूल प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अगर मूल प्रवृत्ति आपकी पलायन है तो तभी होगा जब भय है। वैसे तो पलायन विभिन्न कारणों से होता है, लेकिन वो आपकी मूल प्रवृत्ति नहीं होती, वो आप दिमाग लगा के करते हैं। लेकिन जो पलायन मूल प्रवृत्ति है वह किसके प्रतिफल में होती है, भय के प्रतिफल में होती है। दूसरा आपकी है युयुस्सा या झगड़ना, ठीक है। युयुस्सा जो आपका आपकी मूल प्रवृत्ति है ये कब होती है, ये तभी होती है जब हमें क्रोध आता है। तो क्रोध जो संवेग है उसके प्रतिफल में युयुस्सा होती है। तीसरा अगर आपका देखा जाए विकर्षण या निवृत्ति, अब विकर्षण मतलब क्या, आकर्षण का विलोम, आकर्षण का विलोम है आपका विकर्षण। और विकर्षण कब होता है, तभी होता है, हम किसी से दूर तभी जाते हैं जब उससे घृणा करते हैं। अब यहाँ चुंबक की बात नहीं है कि दो पोल अपोजिट और सेम, यहाँ पे आपकी मूल प्रवृत्ति की बात है। तो विकर्षण कब होगा, विकर्षण तभी होगा जब आपके अंदर कोई ऐसा संवेग होगा जो घृणा से रिलेटेड होगा। मतलब आप अगर किसी से नफरत करते हैं, किसी को घृणा के दृष्टि से, हे दृष्टि से देखते हैं, तो आप उससे दूर होने का प्रयास करते हैं। ये तभी होता है जब आपके अंदर घृणा रूपी संवेग उत्पन्न होता है, और उसके प्रतिफल में मूल प्रवृत्ति आपकी कौन सी होती है, विकर्षण या निवृत्ति। निवृत्ति मतलब उससे पीछा छुड़ाना। आप नेक्स्ट देखें तो जो संतान कामना होती है, संतान कामना एक मूल प्रवृत्ति होती है। ये कब होती है, जब आपके अंदर वात्सल्य होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संतान कामना नहीं रखते तो अबॉर्ट करा देते, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे अगर मैड्यूगल के अनुसार माना जाए तो संतान कामना के पीछे कौन सा आपका संवेग होता है, वात्सल्य का संवेग होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए प्रार्थना या शरणागति, आप किसी से प्रार्थना करते हैं या शरणागत होते हैं, तो इसके पीछे आपका कौन सा संवेग होता है, तो इसके पीछे अगर आप देखें तो इसके पीछे होता है करुणा। जब तक आपके अंदर करुणा नहीं है तो आप शरणागत नहीं होंगे। अगर करुणा किसी के अंदर संवेग आ गया तो वो प्रार्थना करता है, ठीक है, झुकता है, झुकेगा तभी जब उसके अंदर कोई करुणा हो। अगर अहंकार होगा तो कतई ही नहीं झुकेगा। नेक्स्ट देखें आपका उत्सुकता या जिज्ञासा, उत्सुकता या जिज्ञासा की बात अगर करें हम, तो ये तभी होता है जब हमें किसी चीज़ के प्रति आश्चर्य होगा। हम किसी को बहुत ही ध्यान से देखें, हमें जानने की अगर इच्छा हो, तो ये माना जाता है कि संवेग रूपी, आश्चर्य रूपी संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जिसके प्रतिफल से हमारे अंदर उत्सुकता आती है। तो उत्सुकता या जिज्ञासा आश्चर्य रूपी संवेग के प्रतिफल में आती है। नेक्स्ट अगर देखें
विदितता या दैन्य, मतलब अगर कोई कहे दया, दीनता की भावना आए, किसी के अंदर दीनता की भावना आए, तो वो कब आएगी? जब उसके अंदर आत्महीनता हो, जब अपने को वो कुछ नहीं समझे, अपने को तुच्छ समझे, अपने को कम समझेगा, तब उसके अंदर दीनता का भाव आता है। अक्सर जब रिजल्ट ख़राब हो जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो उनके अंदर दीन का भाव हो जाता है, उनका मूल लटक जाता है। तो ये भी क्या है, आपकी मूल प्रवृत्ति है जो किसके प्रतिफल के स्वरूप होती है, वो है आत्महीनता। नेक्स्ट आपका देखें आत्मगौरव। आत्मगौरव मूल प्रवृत्ति जो परिलक्षित होती है कि वो आत्मगौरव में है, अहंकार की बात नहीं है यहाँ। आत्मगौरव मतलब दिखाए वो कि किस प्रकार से हम बहुत बड़े हैं या हम इस चीज़ में निपुण हैं, या हमारे अंदर गौरव की भावना, वो कब आएगी? जब आत्माभिमान हो। खुद पे जब तक अभिमान नहीं रहेगा, किसी के अंदर भी आत्मगौरव की मूल प्रवृत्ति नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर देखें तो जो सामूहिकता आपकी मूल प्रवृत्ति है, वो कब आती है? हम समूह में कब जाना चाहते हैं? जब हमारे अंदर अकेलापन। अगर हम खुद ही हमेशा सबके बीच में है, तो हमें हमारा जो व्यवहार प्रतिलक्षित है वो सामूहिकता के मतलब तरफ नहीं जाता। अगर मान ले ये बात कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का अकेलापन है, तो हम हमेशा सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट देखें तो भोजन की तलाश। जब भी कोई भोजन की तलाश करता है, तो वो वही होता है जिसके अंदर भूख रूपी संवेग हो। तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण संवेग है, भोजन की तलाश करेगा, ये मूल प्रवृत्ति है, और भूख क्या है, आपका संवेग है। नेक्स्ट देखें संग्रहण। संग्रहण मतलब किसी चीज़ को संग्रहित करना। संग्रहण की जो मूल प्रवृत्ति है कब आएगी? जब आपके अंदर अधिकार की भावना। अब कहेंगे चोर भी तो करता है, वो अलग चीज़ है। मूल प्रवृत्ति मतलब आप किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, जैसे बच्चे खिलौना इकट्ठा करते हैं, तो क्यों करते हैं? उनके अंदर ये रहता है कि ये मेरा है, तो अधिकार की भावना, अधिकार रूपी संवेग उनके अंदर रहता है, जिसके प्रतिफल में वो संग्रहण का जो मूल प्रवृत्ति है उसको परिलक्षित करते हैं। नेक्स्ट देखें तो काम प्रवृत्ति। अगर किसी के अंदर जो मूल प्रवृत्ति है घर बालक के अंदर, जैसे आपने फ्रायड का भी पढ़ा होगा, तो काम प्रवृत्ति जो होती है वो मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। ये तभी आती है जब किसी के अंदर संवेग के रूप में कामुकता हो, लस्ट जो आपका होता है यहाँ पे, ये तभी आएगा। काम प्रवृत्ति तभी होगी जब किसी के अंदर कामुकता रूपी संवेग उत्पन्न होगा। नेक्स्ट जो आपके आपका ये मूल प्रवृत्ति आपकी, वह है रचना धर्मिता। तो रचना धर्मिता मतलब किसी चीज़ को रचित करना है आपको। यहाँ पे निर्माण की भावना जो आती है आपकी, किसी चीज़ को पुनर्निर्मित करना या निर्मित करना, तो वो तभी आएगा जब आपके अंदर संवेग रूप में सृजनात्मकता होगी। और लास्ट है आपका क्या, हंसना। तो हंसना क्या है, मूल प्रवृत्ति है। बच्चा भी हंसता है, आप देखते हैं। ये कब होता है, जब आपके अंदर आमोद रूपी संवेग होता है। तो यहाँ जो भावनाएं हैं आपकी, जो विशिष्ट जटिल स्थिति है, जो आपके फिजिकल या इमोशनल या आपका जो मनोवैज्ञानिक चेंजेस प्रटेंड करता है, वो संवेग होता है, उसके फलस्वरूप आपकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो कुल 14 मूल प्रवृत्ति मैट ड्यूगल ने बताई है, जो अगर बात की जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपने इसको फील भी किया होगा कि वास्तव में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं।